केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह संपर्क से समर्थन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज और स्कूल में विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉ. रमन सिंह ने विद्यार्थियों से शिक्षा के बारे में भी बातचीत की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहतर कार्य किए हैं। से समर्थन और ये 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान में शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, समाज के अन्य वर्ग, बुद्धिजीवियों के पास जाने का भी काम हो रहा है। और आज यहाँ मैं डेंटल कॉलेज भी गया था, वहाँ बच्चों के साथ 1 घंटे रहा, युगांतर आया हूँ, यहाँ के पूरे स्टाफ फैकल्टी के साथ बात किया। राजनांदगांव का सम्मान गौरव बढ़ाने वाला युगांतर, जो छत्तीसगढ़ में थी राजनांदगांव की पहचान है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, तो युगांतर का भी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। इनको मैंने बधाई दिया, कोठारी जी को, पूरी टीम को, और ये संपर्क अभियान 31 तारीख तक चलता रहेगा। संपर्क से समर्थन अभियान कार्यक्रम से पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति पर बड़ा बदलाव किया है। पहले 10वीं और 12वीं पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहूलियत होगी।